Hello everyone, today our topic is consideration for social media user agreements. But before understanding about the user agreements of social media, uh, let's take a small introduction of social media agreements. In today's world, social media has become a part of डेली लाइफ एंड इट इज एसेंशियल टू हैव ए सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल एंड बिजनेस सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स डिफाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पार्टीज इन्वॉल्व इन सोशल मीडिया इंटरेक्शन एंड दीज एग्रीमेंट्स कवर द रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग प्राइवेसी डेटा प्रोटेक्शन इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया में सोशल मीडिया जो है वो इंटीग्रेटेड पार्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो चुका है हमारी डेली लाइफ का ये एक सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो है वो एक एसेंशियल एलिमेंट है एक एसेंशियल नीड है किसके लिए इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल और बिजनेस के जो भी बिजनेस बिजनेस पर्सनल है या फिर इंडिविजुअल पर्सनल है उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो है वो जरूरी है सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो क्या करता है पार्टीज जो भी पार्टी सोशल मीडिया इंटरक्शन में इन्वाल्व होती है उनके राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है अब दीज एग्रीमेंट्स कवर द रेंज ऑफ इश्यूज अब ये जो एग्रीमेंट्स है ये कौन कौन से रेंज को कौन कौन से इश्यूज को जो है वो लाइन अप करते हैं जैसे ये वाले हो गए जैसे डेटा प्रोटेक्शन हो गया डेटा प्रोटेक्शन उसके बाद इंटेलैक्चुअल uh, प्रॉपर्टी हो गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ये कुछ मैटर्स होते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने का ये काम करता है सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल या पर्सनल बिजनेस पर्सनल जो भी सोशल मीडिया इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया एग्रीमेंट बनाया गया है या फिर ये इम्पोर्टेंट है बाय फॉलोइंग अब ये कुछ की स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करने से क्या होता है पार्टीज uh, जो भी सोशल मीडिया इंटरेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं उनके एड्रेस प्राइवेसी प्रोटेक्शन डेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और कॉन्फिडेंशली ये कुछ कंसर्न्स हैं जो हैं वो प्रोटेक्ट होते हैं ये कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करने से क्या होगा जितने भी सोशल मीडिया जो भी सोशल मीडिया एग्रीमेंट में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व होती है उनको जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड होता है नेक्स्ट वन इज वॉट आर दोशल मीडिया एग्रीमेंट्स सोशल मीडिया मैनेजमेंट एग्रीमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट ओवरसीज रेगुलेट एंड वर्किंग द रिलेशन बिट्वीन अ सोशल मीडिया मैनेजर एंड अ बिजनेस फॉर अ क्लाइंट बेसिकली हम कह सकते हैं सोशल मीडिया जो है सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो रेग्यूलेट करता है रेगुलेट uh, करता है एक रिलेशन को जो पार्टी और सोशल मीडिया मैनेजर या फिर बिजनेस पर्सनल उनके बीच में जो एक रिलेशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए एक डॉक्यूमेंट नेसेसरी होता है उस नेसेसरीली डॉक्यूमेंट को हम सोशल मीडिया सोशल मीडिया मैनेज सोशल मीडिया मैनेजमेंट कहते हैं Now it is a form of service agreement that helps to define the scope of work, undertake the time and method of making a payment. अब ये एक तरीके का agreement होता है जो service एक ऐसी service agreement होता है जो provide करता है scope of work जो भी scope of define भी करता है क्या करता है जो भी scope of work है या फिर payment process है method of payment है उसको भी define करता है थ्रू द थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म विच विल बी यूज अब इसमें जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जैसे कि हो गई ये गूगल हो गया गूगल हो गया फेसबुक हो गया इंस्टाग्राम हो गया स्नैपचैट हो गया ये कुछ uh, जो पार्टी जो प्लेटफॉर्म थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म जो इन्वॉल्व होते हैं उनको जो है जो भी सर्विसेज वो प्रोवाइड कराते हैं उसको डिफाइन करता है उसके स्कोप ऑफ स्कोप ऑफ वर्क को डिफाइन करता है फर्दर इट इज स्पेसिफाई दी प्रोमोशन कंटेंट्स हु विल बी इन चार्ज ऑफ मेकिंग द नेसेसरी पोस्ट एंड हुएट द रिटर्न एंडल कंटेंट्स अब हम कह सकते हैं द पर्सन हु मैनेज दोशल मीडिया इज कॉल्ड द सर्विस प्रोवाइडर अब जो भी पर्सन मैनेजेस करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे तो हम सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं लेकिन जो पर्सन उस सर्विस को जो है रिसीव कर रहा है उसे हम क्लाइंट कहते हैं ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन होता है पार्ट होता है जो हमें ये डिफाइन करता है कि सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स क्या होते हैं नाउ द नेक्स्ट इज की कंसिडरेशन ऑफ सोशल मीडिया यूजर एग्रीमेंट्स अब की कंसिडरेशन क्या इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जो सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स में यूज use यूजफुल है जैसे इसका सबसे पहला है रीजन वॉट आर दी सर्विसेज वॉट सर्विसेज विल दी इंफ्लुएंसर प्रोवाइड उसके बाद एक्सक्लूसिविटी फिर उसके बाद ब्रांड रेप्यूटेशन स्कोप एंड ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन और उसके बाद पेमेंट एंड टर्म्स ये कुछ जो है वो की uh, कंसिडरेशन है जिसको ध्यान रखना चाहिए सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स में नाउ द फर्स्ट वन इज वॉट सर्विसेज़ विल द इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड अब हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी कौन कौन सी सर्विसेज है या फिर क्या सर्विसेज है जो तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को प्रोवाइड होती है या होनी चाहिए डोंट लिव इट अ चांस इन्श्योर दैट द एग्रीमेंट इज अ क्लियर एस टू वॉट सर्विसज नीड टू बी परफॉर्म बाय एन इन्फ्लुएंसर ये सबसे पहला कंसिडरेशन होता है जिसमें क्या होना चाहिए पहला सबसे पहली चीज कि जो भी सोशल मीडिया एग्रीमेंट में जो भी इन्फ्लुएंसर इन्वॉल्व होता है उसका सबसे पहला उसे सबसे पहले ये चीज़ इन्श्योर कर लेनी चाहिए कि क्या एग्रीमेंट में ये क्लियरली मैंशन है कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुंसर जो है वो परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता अदरवाइज कंपनीज में नॉट रिसीव वॉट दे ब्रिगेंड फॉर फॉर एंड दैट कुड रिजल्ट टू एन कॉस्टली डिस्प्यूट अब बेसिकली ये करना इसलिए चाहिए क्योंकि कंपनीज को इस चीज के बारे में पहले से पता होना चाहिए या फिर इस चीज की खबर होनी चाहिए कि क्या जो भी जिस भी जिस भी चीज के लिए कंपनी ने क्लाइंट से बार्गेन किया है जिस चीज जिस मतलब जिस डील जो भी डील जो है कंपनी ने बागेन की है क्लाइंट से क्या वो चीज उसे रिजल्ट के फॉर्म में आ रही है या नहीं आ रही है उसके लिए फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग थ्री पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक इन अ मंथ फॉर अ इयर लॉन्ग पीरियड और वॉट प्रोडक्ट विल बी शो किड हाउ प्रोमिनेटली दे विल भी फीचर इन द पोस्ट ये एंड विल द इन्फ्लुएंस बी एक्सपेक्टेड टू अटेंड द इवेंट्स इफ सो हाउ मेनी एंड हाउ लॉन्ग दे विल नीड टू बी देयर विल द कंपनी वॉन्ट टू शेयर द इन्फ्लुएंसर पोस्ट और वॉन्ट टू इन्फ्लुएंस टू लिंक द कंपनीज वेबसाइट ये कुछ चीजें हैं जो इन्फ्लुएंसर ये कुछ चीजें हैं जो इन्फ्लूसर को क्या है बहता होनी चाहिए क्या कि कौन कौन सी सर्विसेज जो है वॉट सर्विसेज विल इन्फ्लुएंसर प्रोवाइड कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो इन्फ्लुएंसर को प्रोवाइड होंगी या फिर होनी चाहिए पहला की कंसिडरेशन था ना द नेक्स्ट वन इज एक्सक्लूसिविलिटी अ प्रमोशन बाय एन इन्फ्लुएंसर ऑफ अ कंपनी कंपनीज ब्रांड और प्रोडक्ट में लूज इट्स इफेक्ट इफ द इन्फ्लुएंसर गोज ऑन टू प्रोमोट अ कॉम्पिटेटिव ब्रांड और प्रोडक्ट नॉट लॉन्ग आफ्टर अब यह एक तरीके का जो है वो इंफ्लुएंसर यह एक तरीके का जो है वो इफेक्ट करता है क्या करता है अगर प्रमोशन कोई भी इन्फ्लुएंसर uh, जो है वो एक कंपनी के ब्रांड को प्रमोट कर रहा है लेकिन जिस कंपनी के ब्रांड को वो प्रमोट कर रहा है उसकी जगह पे वो मतलब किसी और कंपनी के जो भी जिस कंपनी का वो ब्रांड uh, प्रमोट कर रहा है वो दूसरी राइवल कंपनी के ब्रांड को इन्फ्लुएंस कर रहा है या नहीं कर रहा और कितने टाइम तक करेगा ऑल दिस शुड बी अ बैलेंसड अगेंस्ट द बेनिफिशियल इम्पैक्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंसर मेंटेनिंग एन एक्टिव एंड हाई प्रोफाइल पोस्टिंग Frequently and presenting more and more authentic image by engaging with the range of brand and products. अब हम ये कह सकते हैं ये agreement जो है वो exclusive prevent होते हैं जो influencer को providing provide प्रोवाग करते हैं professional promotional services. जो भी ये agreement हैं वो एक influencer को क्या provide करते हैं promotional services provide कराते हैं. Other similar products की तरह, बाकी similar products की तरह. और ये क्या होते है? एक डायरेक्ट स्पेसिफाइड क्या करते है? एक डायरेक्ट कॉम्पिटेटर स्पेसिफाइड कर देते हैं सिमिलरली इवेंट अपियर्स वुड बी लिमिटेड टू हु अप्रूव्ड बाय द कंपनी अब ये क्या है सिमिलर है एक तरीके से सेम है जो भी पर्सन कंपनी कंपनी के अंदर अपियर्ड होते हैं या फिर कंपनी के थ्रू अप्रूव्ड होते हैं फॉर द लिमिटेड टाइम उनके लिए भी अफकोर्स एनी एक्सक्लूसिव प्रोविजन विल बी एंड ड्राफ्टेड टू इंश्योर दे आर कॉम्प्लीमेंट दे आर कंप्लेन विद द रेलिवेंट लॉज और ये भी ऑफकोर्स uh, ये सारी चीजें भी ये भी इस प्रोविजन का पार्ट होता है कि जो भी कंसिडरेशन या फिर ड्राफ्ट जो भी कंप्लेन ड्राफ्ट हो रही है वो रेलिवेंट है लॉ के अकॉर्डिंग या नहीं नाउ द नेक्स्ट वन इज ब्रांड रेप्यूटेशन ब्रांड रेप्यूटेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये की कंसिडरेशन होता है

कि अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि ब्रांड रेप्यूटेशन को समझेगा जैसे कि अगर कोई भी इन्फ्लुएंसर जो है वो एक ऐसे प्रोडक्ट को जो है ऐसे प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है जो भी कॉन्ट्रलरी जो है वो रन कर रहा है और क्या करता है जो भी ब्रांड के एथिक्स हैं उनको जो है वो ट्रेंड्स कर देता है टू मिटिगेट द रिस्क बोथ बोर्ड एंड ऑब्लिगेशन कुड़ बी इम्पोज ऑन दी इन्फ्लुएंसर अब बेसिकली कह सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस केस में क्या होता है जैसे अगर वो किसी की भी ब्रांड के इथिक्स को जो है वो हार्म करते हैं जिस भी ब्रांड को इन्फ्लुएंसर प्रमोट कर रहा है अगर उसके ब्रांड को उस ब्रांड के एथिक्स को उस प्रमोशन की वजह से हार्म होता है तो जो पार्टी होती जो जो भी कंपनी होती है वो क्या कर सकती है बोर्ड या फिर कोई भी कंपनी जो है वो इस चीज का ऑब्लिगेशन जो है वो इन्फ्लुएंसर पे डाल सकती है बोर्ड ऑब्लिगेशन माइट रिक्वायर द इन्फ्लुएंसर नॉट टू डू एनीथिंग दैट को डैमेज द ब्रांड और प्रोडक्ट दैट ऑल द पोस्ट आर सोशली सोशली रिस्पॉन्सिबल विद द टर्म्स ऑफ केयरफुली डिफाइंड बेसिकली ये जो है बो बोर्ड का ऑब्लिगेशन होता है कि एक इन्फ्लुएंसर के तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या है ब्रांड uh, की ब्रांड uh, या फिर किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट की इमेज को जो है वो डैमेज ना होने दे ये एक तरीके का सोशली रिस्पॉन्सिबल होता है ये पर्सन जो इन्फ्लुएंसर होता है इस टर्म को हम क्या कह सकते हैं जो टर्म जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम वो क्या है सोशली रिस्पॉन्सिबल है है ना ये एक सोशली टर्म सोशली रिस्पॉन्सिबल जो है वो टर्म डिफाइन किया हुआ है इधर एडिटल कंट्रोल में बी यूजफुल टू दुलिस दीज ऑब्लिगेशन नाउ द एग्रीमेंट शुड मेक अ क्लियर वेद द कंपनी हैज द पॉवर टू रिव्यू ऑल द पोस्ट सिंपली ऑफर द हाई लेवल गाइडेंस एंड डिमांड दैट द पोस्ट आर टेकन डाउन अब बेसिकली एग्रीमेंट में ये सारी चीजें मैंशन होनी चाहिए कि कंपनी के पास कितनी पावर है किसी भी पोस्ट या फिर रिव्यू को सिंप्लीफाई करने के लिए चेक करने के लिए और ये कुछ गाइडेंस होती है जो इन्फ्लुंसर को प्रोवाइड होनी चाहिए तो ये कुछ की कंसिडरेशन है जिसको ध्यान में रखना पड़ता है नाउ द स्कोप एंड ओनरशिप ऑफ द इंटेक्चुअल प्रोपर्टी

जैसे कि किसी भी पर्सन का किसी भी इन्फ्लुएंसर का खुद का इन uh, वो uh, क्या बोलते हैं पोस्ट हो गया या फिर उसकी खुद की इमेज हो गई या कोई भी वर्ड जो भी इन्फ्लुएंसर का खुद से बनाया हुआ हो या फिर इमेज या फिर ये होता है एक पर्सन इन्फ्लुएंसर इस पर्सन को एक तरीके का हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं नाउ द एग्रीमेंट शुड डील विद हु ओन्स दीज राइट्स नॉर्मली द इन्फ्लुएंसर एंड द वाइडर यूज अब बेसिकली एग्रीमेंट जो है वो किससे डील करता है क्या बोलते हैं नॉर्मली तो वो इन्फ्लुएंसर से डील करता है इफ द कंपनी विल नॉट ओन द राइट दे विल वॉन्ट टू इंश्योर दैट इट इज ग्रांटेड टू सुटेबली एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू यूज द पोस्ट फॉर इट्स ओन पर्प नाउ दिस माइट इन्वॉल्व अलाउइंग द कंपनी टू री पोस्ट थ्रू इट्स ओन सोशल मीडिया अकाउंट्स एंड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स चॉइस इफ द एग्रीमेंट्स कुड गिव द द्लिव परमिशन फॉर द यूज ऑफ इमेज और द नेम ऑफ वाइडर मार्केटिंग कैंपेनिंग Without such permissions, the company risk being severely restricted, and how it used to use post, not gain the full benefit of the post and relationship with the influencer. अब हम ये कह सकते हैं कि इसका एक तरीके का जो भी ownership होती है, किसी भी post का जो भी ownership, जो भी influencer post करता है social media पे या ऐसा कुछ भी, तो उसका जो ownership होता है, वो एक influencer के पास ही होता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो क्या किसी भी तरीके का परमिशन भी एक्सक्लूसिटिव परमिशन भी अलाउड होता है कि वेदर द इमेज ऑफ द पर्सन इज एन मार्केटिंग कैंपेनिंग हम ये कह सकते हैं कि विदाउट सच परमिशन किसी भी इन्फ्लुएंसर की किस परमिशन के बिना जो है द कंपनी रिस्क बींगली रिस्ट्रिक्टेड एंड हाउ इट कैन बी यूज द पोस्ट नॉट गेन द फुल बेनिफिट ऑफ द पोस्ट एंड द रिलेशनशिप विद द इन्फ्लुएंसर नाउ द नेक्स्ट वन इज टर्म एंड टर्मीनेशन द एगरीमेंट शुड बी क्लियर अबाउट दो एग्रीमेंट टर्म एंड टर्मिनेशन जो है कोई भी एग्रीमेंट जिसमें क्लियरली के टर्म कब स्टार्ट हो रहा है मतलब एग्रीमेंट कब स्टार्ट हो रहा है या एग्रीमेंट कब एंड हो रहा है वो चीज जो है वो एग्रीमेंट में क्लियरली मैंशन है विल द एगरीमेंट कवर वन ऑफ द पोस्ट और विल इट कवर द लॉन्गर रिलेशनशिप ये भी चीजें अगर एक एग्रीमेंट में मैंशन है कि कितना पोस्ट मतलब कितने पोस्ट कवर कर रहा है कितने टर्म तक का रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है ये वो रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है वो भी चीज़ मेंशन होनी चाहिए या नहीं है द कंपनी विल बी रिबर्स टर्मिनेशन राइट ऑफ द रेप्यूटेशनल इमेज फेलियर टू कंपनी विद द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन बीच ऑफ द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट एंड सो ऑन कर क्या कंपनी जो है विल द कंपनी द कंपनी विल कंपनी ये एक तरीके की कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या कर सकती है किसी भी राइट uh, right या रेप्यूटेशनल डैमेज अगर उसका कोई भी रेप्यूटेशन डैमेज हो रहा है या कोई भी राइट right टर्मिनेट हो रहा है या फिर कंपनी फेल हो जा रही है तो या फिर ब्रीच ऑफ टर्म जो है वो एग्रीमेंट में ब्रीच मतलब कोई भी जो भी एग्रीमेंट एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो ब्रीच हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में भी क्या कर सकती है कंपनी जो है वो उस एग्रीमेंट को जो है वो टर्मिनेट कर सकती है द कंपनी शुड कंसिडर वॉट रिजल्ट इज लुकिंग एंड वॉट कॉन्स्टिट्यूंट सक्सेस फॉर दिस पार्टनरशिप कंपनी में वॉन्ट टू हैव द टर्मिनेशन राइट ये कंपनी के, right के पास एक तरीके का टर्मिनेशन राइट होता है इफ द इन्फ्लुएंसर डज नॉट हिट दिस सक्सेस मेजर अगर कंपनी कंपनी के पास ये एक तरीके का राइट है अगर इन्फ्लुएंसर जो है वो इतना हिट मेजर जो जो भी मतलब स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक मेजरमेंट है कि अगर इस हद तक या इतना सक्सेस जो है वो इतना सक्सेस मेजर जो है वो इन्फ्लुएंसर नहीं कर पाता है या नहीं हिट कर रहा है तो एग्रीमेंट क्या कर दो तो कंपनी क्या कर सकती है एग्रीमेंट को जो है वो टर्मिनेट भी कर सकती है फाइनली द एग्रीमेंट शुड कवर वॉट विल हैपन इन दी आई पी एंड एनी पोस्ट ऑन टर्मिनेशन और एक्सपायरी फॉर एग्जाम्पल विल देयर बी एनी ऑब्लिगेशन टू रिमूव द प्रीवियस पोस्ट यस The company, uh, company have the obligation to remove the previous post or not. These are, the some, these are some little bit questions, like, uh, will there be an, an obligation to remove the previous post? These are the questions which are considered by the, considered by the agreement. Now the next one is, or the last one is the payment and terms payment terms. द कोस्ट द कॉस्ट एंड द पेमेंट टर्म्स आर द अनदर क्रिटिकल कॉम्पोनेंट ऑफ द सोशल मीडिया एग्रीमेंट ये इम्पोर्टेंट भी है ये एक तरीके का इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल कॉम्पोनेंट है सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स में जो पेमेंट डिटेल्स या फिर कॉस्ट होता है वो भी एक तरीके का इशू है या फिर एक, एक तरीके का सीरियस सीरियस मैटर है एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट शुड स्पेसिफाई एग्जैक्टली हाउ मच द वर्क विल कॉस्ट

लाइक हाउ मच वर्क विल कॉस्ट कितना मतलब कितना काम लगेगा कितना पेमेंट स्कैड्यूल होगा क्लाइंट को ये सारी चीजें और कितना बचा है कितना काम बचा है हाउ मच इज ड्यू और वेन ये सारी की सारी चीजें जो है वो पता होनी चाहिए यू शुड ऑल्सो स्पेसिफाई वेदर यू आर वर्किंग ऑन रिटेलर बेसिस किस रिटेलर बेसिस पे काम कर रहे हैं या फिर यू आर जस्ट वर्किंग ऑन ऑफ वन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ द सेट ड्यूरेशन दिस इज ऑल्सो द की कंसिडरेशन now let's come to the conclusion part. social media management agreements play a pivotal role in protecting both the social media manager and the and their clients. pivotal role कह सकते हैं दोहरा दोहरा व्यवहार कह सकते हैं दोहरा रोल प्ले करता है सोशल मीडिया एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके का दोहरा व्यवहार कर, कर रहा है किसमें सोशल मीडिया मैनेजर को प्रोटेक्ट करने में और क्लाइंट्स को भी प्रोटेक्ट करने में मतलब तो एक तरीके से उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है और नहीं भी कर पा रहा है इट इज नॉट टू से दैट ऑल सच एग्रीमेंट्स रिक्वायर्ड ए रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये नहीं कह सकते हम कि जितने भी सोशल मीडिया एग्रीमेंट्स हैं वो सबके साथ सब जो है वो जरूरी है कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट ही हो या रिटर्न एग्रीमेंट यूँ नहीं नो सच एग्रीमेंट आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ शॉर्ट टर्म कंसल्टेशन अगर आप कोई भी कोई भी आपका रिलेशन कोई भी कंपनी कोई भी अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट है जो शॉर्ट टर्म के लिए है तो जरूरी नहीं है कि आप जो है वो उस एग्रीमेंट को जो है वो रिटर्न फॉर्म में ही रखें सच एग्रीमेंट्स कैन बी कवर्ड बाय द टर्म्स एंड कंडीशन दैट कैन बी सेट अप ऑन वेबसाइट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर अब ये हो सकता है कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट सेटअप हुआ है या ऐसा कोई भी एग्रीमेंट बनाया गया है या हुआ है दो पार्टीज के बीच में तो जरूरी नहीं है आप उसे रिटर्न फॉर्म में ही करें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उस एग्रीमेंट को जो है वो वेबसाइट पे जो सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट है आप उस पर जो है वो अपलोड कर सकते हैं या फिर उस उस पर भी क्लियर कर सकते हैं इंक्लूडिंग द डिटेल्स ऑफ वर्क दैट विल प्रोवाइडेड टू द क्लाइंट जो भी मतलब जो भी आप एग्रीमेंट ऐसा कुछ भी एग्रीमेंट आता है तो आप उसको क्या कर सकते हैं टर्म्स एंड कंडीशन के साथ आप उसे वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं विद द डिटेल ऑफ वर्क जो भी क्लाइंट को डिटेल वर्क प्रोवाइडेड है उसके साथ में हाउ एवर दीज कॉन्ट्रैक्ट आर इनडिसबल फॉर लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट्स एंड एंगेजमेंट दैट आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर वैसे तो ये जरूरी नहीं है लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो रिटर्न फॉर्म में नहीं होते हैं जिसे क्या है डायरेक्ट वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इनडिस्पेंसेबल होते हैं ज्यादा लंबे नहीं चलते और ऐसे इंगेजमेंट ऐसे कॉन्टेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर में होते हैं ज़्यादा क्लियरली डिफाइंड नहीं होते इसी वजह से थैंक यू सो मच दिस इज़ फॉर टूडे